नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर अलवर जिले के मुंडावर उपखंड के गांव तिंकिरुड़ी की कंजर बस्ती में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए कर्फ्यू के बाद नाके पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ कुछ पुरुष व महिलाओं ने दुर्व्यवहार एवं पथराव किया। तिंकिरुड़ी की कंजर बस्ती में नाके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने किसी तरह अपने आप को बचाया। सूचना पर तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा, डीएसपी नीमराना नवाब खान, थानाधिकारी लक्ष्मीकांत शर्मा मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। डीएसपी नवाब खान ने बताया कि मुंडावर थाना क्षेत्र के गांव तिंकिरुड़ी की कंजर बस्ती में 3 जून को कोरोना पॉजिटिव वृद्ध महिला मिलने के बाद जिला प्रशासन ने बस्ती के 1 किलोमीटर क्षेत्र में कर्फ्यू के आदेश जारी किए गए थे। जिला प्रशासन के आदेशानुसार कर्फ्यू लगाए जाने के बाद बस्ती में नाकों पर नाकेबंदी की जा रही थी। तभी तिंकिरुड़ी चौराहे से गांव व बस्ती की ओर जाने वाले रास्ते पर नाकाबंदी कर रहे पुलिसकर्मियों के साथ बस्ती के ही कुछ महिलाओं व पुरुषों ने दुर्व्यवहार व पथराव किया। घटना की सूचना मिलते ही थानाधिकारी लक्ष्मीकांत शर्मा जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। नाकाबंदी कर रहे पुलिसकर्मी प्रभारी कांस्टेबल रमेश के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। कंजर बस्ती में एक वृद्धा के कोरोना पॉजिटिव आने की वजह से कलेक्टर साहब के आदेश से ग्राम तिंकिरुड़ी में कंजर बस्ती में कर्फ्यू घोषित किए जाने पर जो जो गांव से नाके बाहर निकलते हैं और जिन जिन रास्तों से लोग अंदर आते हैं उन मेन रास्तों पे हमें कलेक्टर साहब के आदेश से कर्फ्यू की पालना में हमने जगह जगह हमारा जाप्ता लगा रखा था। आज दिनांक 6/6 को करीब 5 बजे हमारा जाप्ता तैनात था, जो रास्ता तिंकिरुड़ी चौराहे से ग्राम तिंकिरुड़ी को आता है उस पर जाप्ता हमारा तैनात था। तो इस कंजर बस्ती से ही करीब 5 बजे कुछ औरतें और आदमी आए और उन्होंने बकरियों का बहाना लेकर के, भाई हमारी बकरियां नहीं जाने दे रहे हो आप, बकरियां नहीं आने, इस बात को लेकर के इनके साथ गाली गलौज की, धक्कामुक्की भी की और कुछ पत्थर फेंके। इस इतला पर फिर तुरंत तहसीलदार साहब और हमारे शेर साहब जाप्ता सहित मौके पर पहुँचे।